लड़का सही हुआ, पैदा सही हुआ जी। जब वो लोग 5 रुपए मांगे, हम लोग 3 रुपए दे चुके थे। 2011 में बता, मैंने 2000 रुपए नोट ले गए थे देन खुदकार से मिठाई उठाई लाने के लिए। तो पहले ना पहले पैसा दे दो, उसके बाद जाओ मिठाई उठाई लाओ, नहीं छुट्टी नहीं करेंगे। पैसे का कारण हम लड़के लड़के मंगा दिए हैं सर। नहीं कौन कुशीनगर जिले के तमकीराज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक गर्भवती महिला की दवा कराते समय सामुदायिक अस्पताल में ही 23 सितंबर यानी कि सोमवार को मौत हो गई। बताते चलें कि मृतक सरोज देवी पत्नी प्रज्योत प्रसाद नामक महिला अपने मायके माधोपुर में रहती थी। उसकी शादी धनौजी बिहार में प्रसाद नामक व्यक्ति से हुई थी। अचानक महिला की तबीयत बिगड़ी तो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकीराज पर लाया गया, जहां पर उसका इलाज हो रहा था। आरोप ये भी है कि महिला से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने 5000 रुपए की मांग की थी, लेकिन किसी तरह 3000 रुपए देने के बाद गर्भवती महिला का इलाज शुरू किया गया और इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई। ये घटना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। सूचना मिलते ही लोगों ने इकट्ठा होकर के तमकीराज से बन रहा मोड़ सड़क जाम कर दिया। किसी तरह उक्त घटना को उप जिलाधिकारी और उप पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले आप? माधोपुर गुजराम में नाम हूँ। क्या हुआ है, कैसा क्या मामला है आपका, इसके बारे में? लड़का सही हुआ, पैदा सही हुआ जी। जब वो लोग 5 रुपए मांगे, हम लोग 3 रुपए दे चुके थे। 2011 में बता, मैंने 2000 रुपए नोट ले गए थे देन खुदकार से मिठाई उठाई लाने के लिए। तो पहले ना पहले पैसा दे दो, उसके बाद जाओ मिठाई उठाई लाओ, नहीं छुट्टी नहीं करेंगे। पैसे का कारण हम लड़के लड़के मंगा दिए हैं सर। नहीं कौन का है, पैसा मांगा किन किन दो लड़की थी, हिमावती या कमलावती थी? नहीं, आपसे पैसे का मांग किसने किया? दो लेडीज थी। नहीं स्टाफ थे लोग? हाँ स्टाफ थे, नर्स थे जी जी। दो नर्स थे, ठीक है। उसका नाम था, जिसने आपको ट्रीटमेंट किया है उन्हीं मांग किया है जी जी जी। तो आपने पैसा दिया उनको? 3000 रुपए दिए, 5000 मांगे थे वो लोग, ठीक। 3000 मैंने दे दिया, 2000 बचा। तो ऊपर जा बाद में हम लोग छुट्टी खा लेना, उसके बाद तब छुट्टी कर देंगे। लेकिन 2000 रुपये दे कर जाना, ठीक हम दे देंगे। जब तक उधर उधर गए तब तक पंखा चला दिया लड़की का, पंखा लड़का बच्चा हुआ था अभी, पंखा चला दिया, बस उसका हवा लग गया, हवा लग गया, मरी चली गई, हटाए नहीं हम। उसके बाद से फिर क्या हो, फिर क्या आपने उसके पास से तब गाड़ी वाली ढोने लगे, उसके बाद कोई लफड़ा नहीं हुआ, पढ़ाना नहीं जा पाए। बाद में उन्होंने लिख कर दिया, जब पढ़ाने लगे जाओ, जब मर गए थे तब तो उन्होंने लिख कर दिया। अब तक क्या कार्रवाई, कुछ कार्रवाई हुई है? कहाँ कोई कार्रवाई हुई है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसडीएम साहब से बात हुई है क्या? एसडीएम साहब ने क्या बोला? कोई फैसला नहीं मिला, कोई नहीं मिला हम लोग का। कहाँ रहने वाली? अच्छा, कैसे क्या हुआ इसके बाद? कुछ ना, बाबू निंदा लड़का बोला, सुई लगा लड़का होगा तो कहता रहे पैसा दो। कितना पैसा लो मांग रहे? पैसा 3000 करी है। अच्छा, हम कौन ये 2000 बाद दे जाए, हमारा खुशी बा, हमारा नाती हो गई दे जाए हमारा के। अब भजा के 2000 का नोट कर लिया था, नहीं करवा के खत्म दे दे, 2000 का पैसा से पूरा काम घर चल गया जी। तो कहता रहे ले आए ले, तो बाबू का बेटा पर सुता देला तो काटवा के बेटा बेटे के पर दिनवा पर आ बेटा पर पंखा चालू कर, तब हम दौड़ छापा देंगे। हवा लागत बाबू के, हवा लागत बाबू के, हवा लागत बाबू के, बाबू के टाइम पर चले जा, बाबू के टाइम पर। कौन था वो, कौन था जो आपसे 3000 रुपया मांग रहा था? अरे वो चश्मा लगा बड़ी आ पात्र के बड़ी सावर के उस्ता खूब कैली है, बच्चा बच्चा धोली है वे है। हमरा कह दे ले जा ले जा, जब ना देबू तो ले जा ले जा। अपना बाप का शहर तो उठातन जा, लेके जाएंगे। कई बार चल कम बोल हो गई, कह दे हो गई। कितने कितने बजे अस्पताल में आए थे? चल अपन काम कर, पानी पी, अस्पताल में चाय लो। हमारा बाप कितने बजे अस्पताल में आई थी आप? 8 बजे, 5वां हो गया। कई बजे आए थी अस्पताल में बच्चे? 6 बजे से चल दिए जाए, सवेरे 6 बजे चल दिए। मेरी प्रतिक्रिया क्या, मैं यहीं पर आया, देखा कि लोग बच्चे पर बैठ गए थे, एग्जाम हो गया था, तो मैं आया जितना आम सी होता है और लोगों को मनाया गया। उन लोगों का आरोप है कि जो स्टाफ नर्स है, पैसे की डिमांड इलाज चल रहा था, वो पैसे की डिमांड की है। उन्होंने लिख के ज्ञापन भी दिया है और कई लोगों के द्वारा यह बातें लाई गई कि वो पैसा मांग करती है। तो प्रथम दृष्टया इस दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई के लिए संस्तुति करके सीएमओ ऑफिस भेजा जाए। निलंबन से मौत का समाधान हो सकता है? कहाँ से समस्या का समाधान हो सकता है?
देखिए जो मांग कर रहे हैं, जो मृतक का परिवार है, मृतका के परिवार वाले जो कह रहे हैं उसके अनुसार तो हम कार्रवाई करेंगे। क्या एनएम के ऊपर FIR दर्ज होगा? अब जांच मैं पूरी तरीके से जांच करने हेतु तो CMO ऑफिस में भेजता हूँ, उनके द्वारा जो जांच कराया जाएगा तो उसके अनुसार जो दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने हेतु तो संस्तुति की जाएगी। मृतक परिवार के आपके तरफ से कोई आर्थिक सहायता राशि? इस तरह का तो ऐसा कोई सहायता राशि नहीं अनुमन्य है, और मैं देख लेता हूँ, पता कर लेता हूँ, स्वास्थ्य विभाग से यदि कोई अनुमन्य सहायता राशि होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।